दोस्तों नमस्कार। आज की शॉर्ट वीडियो में हम इंग्लिश वर्ड देयर आफ्टर का सही मतलब जानेंगे, इसके सिनोनिम्स के बारे में जानेंगे और इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है। देयर आफ्टर जो कि एक एडवर्ब है और इसका मतलब है आफ्टर दैट और देन, यानी उसके बाद या फिर तब या फिर या हम कह सकते हैं तत्पश्चात। ओके, इसके सिनोनिम्स होते हैं प्यारे दोस्तों देन, afterwards, subsequently, और इसके एंटोनिम्स होते हैं now, ago, before। चलिए एग्जाम्पल्स के जरिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले मैं नहाया और उसके बाद मैंने खाना खाया। आप इसे कहेंगे first I took bath and thereafter I had my meal। first I took bath and thereafter I had my meal। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया। आप इसे कहेंगे देयर आफ्टर आई फॉरगॉट एवरीथिंग। देयर आफ्टर आई फॉरगॉट एवरीथिंग। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, पहले उसने खूब पैसे उड़ाए उसके बाद वह कंगाल हो गया। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।